बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम आज चैप्टर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आपने कमेंट्स देने हो तो आप पाकिस्तान होम स्कूल का फेसबुक पेज यूज़ कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम इस दुनिया से पहली मंजिल पर पहुँचेंगे तो हमारे से सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन है? क्या आप अपने रब को जानते हैं? हमारे रब ने अपने बारे में अपनी भेजी हुई किताब में बहुत तफसील से बताया है। ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, ताकि लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। तो प्यारे बच्चों, हमें तजमे के साथ कुरान को पढ़ना चाहिए ताकि हम इस पर गौर व फिक्र कर सकें। तो आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि इसको तजमे से पढ़ना है। हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन? आप नॉइज़ पोल्यूशन की तारीफ़ कैसे करेंगे? डेफिनेशन कहते हैं तारीफ़ करने को। तो हम अभी चैप्टर में पढ़ के आए हैं, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। शोर की आलूदगी की तारीफ़ ये है कि किसी किस्म का भी शोर जो इंसानी ज़िंदगी के मामलात में रुकावट डाले, खलल डाले, उसको शोर की आलूदगी कहते हैं। हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट आ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? ट्रांसपोर्ट किस तरह से शोर की आलूगी का बाइस बनती है? नॉइज़ कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ व्हीकल, एयरप्लेन्स, ट्रेन, शिप्स, प्रूव टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्यूनिटीज़। ये दबाव ज़्यादा बढ़ाता है शोर। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज़ द व्हीकुलर ट्रैफिक हैज़ आल्सो मल्टीप्लाइड। जैसे जैसे इंसानी आबादियां बढ़ी हैं, ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज़ पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स। ड्राइवर्स जो होते हैं बेतहाशा हॉर्न बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे नॉइज़ पोल्यूशन करता है? एन अदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज़ द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स। Construction work in urban areas is usually slow and time-consuming. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. It is not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. Construction workers, general public और दोनों इससे असर मुतासिर होते हैं। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग नॉइज पोल्यूशन? टेक्नोलॉजी किस तरह से शोर की आलूदगी का बाइस बनती है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अनदर काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। हर जगह पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, मसलन मोबाइल्स, अनमोनिटर्ड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, म्यूज़िक सिस्टम्स एंड टीवी आल बिकम इरीटेंट्स फ्राम टाइम टू टाइम। ये सारे इरीटेंट बन गए हैं वक्फे वक्फे से। People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. They also use electricity generators excessively in residential areas and put other residents ill at ease. Moreover, listening to loud music or TV on loud volume is another source of noise pollution. ऊंची आवाज़ों से म्यूज़िक सुनना भी नॉइज़ पोल्यूशन करता है। वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ? नॉइज़ पोल्यूशन कॉजेज नॉट ओनली इन्वायरमेंटल डैमेज बट आल्सो हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसानी सेहत पर भी पोल्यूशन बुरे असरात मुरतब करता है। वो बुरे असरात क्या हैं? इट कॉजेज एग्रेशन, हाइपरटेंशन, गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई स्ट्रेस लेवल्स, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. Depression, बेचैनी, बेख्वाबी, insomnia can further lead to anxiety, bad temper and emotional stress. बेख्वाबी जो है वो और anxiety और गुस्सा और stress पैदा करती है। What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices? इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से जो नॉइज़ आता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो हमें अवेयरनेस देनी चाहिए
People must develop awareness about the dangerous impact of noise on human health. के शोर के ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं इंसानी सेहत पे. उसके अलावा अपने तौर पर यूज़ ऑफ़ ईयर प्लग्स करना चाहिए कि आपकी समात मुतासिर ना हो. कानों में प्लग्स डालें ताकि आप शोर जो है आपके दिमाग पे असरअंदाज ना हो. उसके अलावा द रेजिडेंशियल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड टू फ्रेम एंड एनफोर्स रूल्स इन देयर एरियाज टू चेक अननेसेसरी नॉइज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स. सोसाइटी को खुद इस पे चेक रखना चाहिए. दूसरी बात यह है कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस शुड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर बेटर नॉइज मैनेजमेंट. इन इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्पिटल्स में मना होना चाहिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल. इसके अलावा इट इज़ देयरफॉर अ नीड टू एक्वायर मोर सिविक सेंस एंड रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ नॉइज पोल्यूशन इरिटेंट्स इन द एनवायरनमेंट. इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सिविक सेंस डिवेलप करें और जो है नॉइज पोल्यूशन को कम करें, अच्छे शहरी, ज़िम्मेदार शहरी बने, दूसरों का ख्याल रखें. तो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए तीन लेवल पे काम करना चाहिए, फॉर बिजनेसेस, फॉर पर्सनल और फॉर गवर्नमेंट लेवल पे. रिड्यूस सोर्स ऑफ नॉइज़, यूज़ साइलेंसिंग डिवाइसेस. टीवी और रेडियो का इस्तेमाल जब भी करें उसके वॉल्यूम कम रखें और हॉर्न ना बजाएं. और प्लांट मोर ट्रीज, यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स. और गवर्नमेंट का जो है, डू नॉट अलाउ फैक्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज. और गवर्नमेंट की सतह पे भी प्लांट मोर ट्रीज. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.